अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरी सुबह हो चुकी थी इनको उठाने के बाद, और उसके बाद आपको पता चल ही गया होगा कि रोज़ाना का काम है शरारतों से भरा हुआ। उसके बाद जी सारा दिन ऐसे ही काम करते करते गुजर गया। मैं व्लॉग नहीं बना सकी, टाइम हो गया था स्कूल से छुट्टी का। सो वी आर गोइंग टू पिक अप आर डॉटर। अपना वक्त याद आ जाता है बच्चों को देखते हुए, उनकी एक्साइटमेंट। लेकिन आजकल के बच्चे वैसे एक्साइटेड नहीं होते जैसे हम लोग अपनी छुट्टी के टाइम पर भागते थे, खुश होते थे। सो जी हम वापस आते हुए रास्ते में, यहाँ आते आते मैं सारा कुछ पूछ लेती हूँ अपनी बेटी से, आज क्या पढ़ा, क्या होमवर्क मिला, क्या एक्टिविटी है, क्या सर्च करना है। उसके बाद जी घर आते ही खाने के सेशन के बजाय यहाँ पर शूट हो रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। इट वॉज़ एन इटालियन पास्ता। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। खाना खाने के बाद, छूट के बाद कुछ ये हालात थे। मैंने फटाफट से किचन क्लीन किया और साथ ही चाय रख दी। चाय के बगैर कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। जब मैं वह चाय बना के वापस आई तो ये देखें हैंगर जो हैं वो स्विच बोर्ड्स पे पड़े हुए थे और वॉल पे अच्छे खासे सिग्नेचर्स थे। और अब इसको पता था कि मुझे शरारतों के बाद डांट पड़नी है, सो इसकी हरकतें देखें। उसके बाद ये ड्राइंग बुक लेके बैठी हुई थी, ड्राइंग करने बैठी हुई थी, सॉरी नॉट वॉज द ड्राइंग बुक, शी वॉज ड्राइंग हर सेल्फ एंड हर सिस्टर। और सुकून तभी होता है ऐसा हमारे घर में जब इनके हाथ में मोबाइल हो या लैपटॉप हो। ये बड़ा काम टाइम था। अब इसको मोबाइल से हटाने के लिए यहाँ पे इसके साथ पेपर आर्ट किया जा रहा है। इसको एक पेपर फैन या विंडमिल कह सकते हैं वो बना के दे रहे हैं ताकि इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो और ये मोबाइल से बाहर आए। यूजुअली तो मोबाइल नहीं देते हैं, लेकिन यह है कि जब ये बहुत ज़्यादा तंग करे या शूट करना हो या तबीयत ख़राब हो किसी की, इसने रेस्ट करना हो, तो फिर इसको देना पड़ता है, बिकॉज़ शी इज़ एक्स्ट्रा एक्टिव माशाल्लाह। सो बिज़ी रखने के लिए ऐसी क्रिएटिविटीज़ को देनी पड़ती है। पास एक बुक पड़ी हुई है, अभी आपको शायद नज़र आएगी। इस बुक में डिफरेंट किस्म की ड्राइंग्स हैं जिनको बच्चे कट करके पेस्ट करके उनके साथ खेलते हैं। करेक्टर्स हैं लाइक ड्रम, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर किड्स जो अभी सीख रहे हों। सो हम लोग इसको इस तरह से बिज़ी रखते हैं। उसके बाद ये अपने पेपर वेंट के साथ खेलते हुए खूब इंजॉय किया इसने। लेकिन वो आपको पता है सब बच्चों की तरह इसकी इंजॉयमेंट भी 10 से 15 मिनट की थी। उसके बाद वो फट गया, एक नई एक्टिविटी मिल गई। आजकल डबल टेप का बैलून बनाने का बहुत रिवाज चला हुआ है, सो वो इसको बना के दिया। उसके बाद दूसरी बेटी को भी बना के दिया। जब उसको बना के दिया तो इसको दूसरा बैलून ज़्यादा पसंद आ गया। अब यहाँ पर इस बात पर नाराज़गी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि मुझे ये वाला बैलून चाहिए। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा था माशाल्लाह बच्चे आजकल के इतने शार्प हैं, मुझे बता रही थी इसका पिकाचू भी बनता है, इसका डोरेमोन भी बनता है, और कैसे बनता है वो सब तरीके मुझे माशाल्लाह ये बताए जा रहे थे। अब देखते देखते हम नाराज़ हो गए, बिकॉज़ हमें वो वाला चाहिए था। अपनी चीज़ें हम फेंक देंगे और कोशिश करेंगे कि हमें जो बहन के पास है वो मिल जाए। मीनवाइल हम लोग स्पून से भी खेल रहे हैं, ग्लास से भी खेल रहे हैं, मैशर से भी खेल रहे हैं। सो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि लोगों के बच्चे टॉयज से खेलते हैं, मेरी बच्ची नहीं खेलती, यहाँ पे फुल नाराज़ हो चुकी थी, रो रही थी और मुझे कह रही थी नो मामा नो, मेरी वीडियो मत बनाएं, कि मुझे हर वही चीज़ चाहिए जो बहन के पास है। सारे बच्चे ऐसे करते हैं आई थिंक सो। शुरू शुरू में मुझे बहुत टेंशन होती थी, बट अब नहीं होती। नाउ आई एम वेरी कम्फर्टेबल। स्टिल नाराज़गी मनाने का सिलसिला जारी था। सो अब टाइम हो गया डिनर का। एज़ यू नो बिफोर हमने दोपहर में बनाया था इटालियन पास्ता, हम उसी को पिज़्ज़ा में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये पास्ता टमाटो सॉस में ही बना हुआ है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ेंगी। इसमें हम चीज़ और उसी पास्ते की बेस बना के ऊपर वेज, आप अपनी मर्ज़ी की कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम करेंगे रेडी, और इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाएँ और ज़रूर चेक करें। एंड इट्स टाइम टू इन्जॉय हर एक्टिंग। और जी यहाँ पे पास्ता पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुका था। सो ये रही इसकी फाइनल लुक, और ये देखें इसको काट के भी आप सर्व करते हैं तो माशाल्लाह से ख़राब नहीं होता। इट वाज सो डिलीशियस। एक ही चीज़ से आप दो चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं अपने घर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।